एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस, बहुत सारे दिनों से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, बट आज से मैं अपनी वीडियोस रेगुलर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक दिन छोड़ के या फिर डेली मैं आप लोगों के साथ वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी। एंड गाइस, जिस चीज़ का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि गाइस, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो अपने फेस पे ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना पसंद नहीं करती हैं। ये उन लोगों के लिए है जैसे कुछ गर्ल्स हैं वो अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करना पसंद नहीं करती हैं, या फिर अगर वो फाउंडेशन अप्लाई कर भी लेती हैं तो उन्हें अपनी स्किन पे थोड़ा सा हैवी सा फील होता है, जो कि सभी लोगों को पसंद नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो मेकअप लवर होते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल सिंपल और नेचुरल स्किन पसंद होती है। तो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी क्रीम ढूंढ रही थी जो कि आप लोगों को पसंद आए। जो लोग ज़्यादा मेकअप प्रेफर नहीं करते हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी क्रीम ढूंढ रही थी। सो पर्सनली खुद भी मैं लैक्मे सीसी क्रीम ही ज़्यादातर यूज़ करती थी, बट जब भी मैं मेरी लैक्मे सीसी क्रीम ख़त्म हो गई एंड मुझे लगा इस बार मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, तो जब मैं शॉप में गई तो मैंने उनसे फिर से बोला कि आप प्लीज़ मुझे लैक्मे सीसी क्रीम दे दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और क्रीम प्रेफर कर दी, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो जो शॉपकीपर होता है वो तो हमेशा ये सोचता है कि आप लोग कुछ कॉस्टली उनसे लेके जाओ। और इसी बहाने उन्होंने भी मेरे साथ शेयर की एक ऐसी क्रीम जिसका रिव्यू तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही करूँगी, लेकिन वो उन गर्ल्स के लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल है जो गर्ल्स मेकअप नहीं करती हैं। यानी जैसे आप लैक्मे सीसी क्रीम यूज़ करते हो, आप एक ट्राई इस क्रीम को भी दे सकते हो। तो उसी चक्कर में फिर मैंने भी इस क्रीम को बाय कर लिया एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। क्योंकि जब हम इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो मुझे कंसीलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं लगी कि हमें कोई कंसीलर या फिर कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत है, हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको उतनी कवरेज दे देती है। तो चलिए गाइस, पहले एक लुक ले लेते हैं कि क्रीम कौन सी है। तो गाइस, ये क्रीम है सीसी क्रीम ही है, स्पावेक की क्रीम है। इसका रैपर भी अभी तक मैंने आप लोगों के लिए संभाल कर रखा था, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ इसका एक रिव्यू भी शेयर करना था, तो आपको बताना भी था इसके बारे में। सो ये है गाइस, सीसी क्रीम ही है ये, जैसे हमारी पॉन्ड्स की सीसी क्रीम है, लैक्मे सीसी क्रीम है, बीबी क्रीम है, उसी की तरह एक क्रीम है जिसका नाम है स्पावेक क्रीम। एंड गाइस, इसमें हमें सनस्क्रीन भी मिल जाती है, 32 PA++ की सनस्क्रीन है। आप इसका एक नज़दीक से लुक ले लीजिए, उसके बाद मैं शेयर करूँगी कि इसको अप्लाई करके हमारी स्किन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको अप्लाई करके हमारी स्किन कितनी ग्लो भी करती है। सो गाइस, ये है आपकी लैक्मे सीसी क्रीम बोल रही हूँ, और ये है आपकी स्पावेक की सीसी क्रीम। एंड गाइज, मैं हमेशा लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ करती थी, इसलिए मुझे हमेशा से ये रहता है कि सीसी क्रीम सिर्फ लैक्मे की ही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बट सीसी क्रीम स्पावेक की भी है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये क्रीम। एंड ये देख सकते हैं आप, इसमें 32 PA++ है, यानी इसमें सनस्क्रीन भी है जो आपकी स्किन को सनरेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। एंड इसमें मल्टी प्रोटेक्शन है, 10 आवर का मॉइस्चराइज़र करती है, स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगी 10 आवर्स। एंड इसमें यूवी प्रोटेक्शन भी है एंड इट्स ऑल्सो पॉल्यूशन फ्री। एंड आप लोग देख सकते हैं इसमें नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये रिफ़्रेश करती है आपकी स्किन को एंड एक ग्लो भी प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को। तो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले सकते हैं अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो। एंड आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, आप इसे किसी भी शॉप में अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 3 शेड्स, एक लाइट बीच शेड है, एक नेचुरल बीच है, एक डस्ट की बीच है। सो अपने लिए मैं लेकर आई हूँ लाइट बीच शेड, क्योंकि मेरी स्किन को ज़्यादा अच्छे से शूट करती है। एंड इसके बाद गाइज, आप चाहें तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि मॉइस्चराइज करता है, यूवी प्रोटेक्शन करता है प्रोवाइड, एंड आपके जो एक्ने के स्कार्स हैं उनको कवर करके रखता है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इससे अच्छा दिखता है। एंड गाइज, ये जो पर ग्राम है दैट इज़ ऑफ़ 18 रुपीज़, मतलब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं इसका प्राइस कितना है। मैं यहाँ पर प्राइस भी मैंशन कर रही हूँ। सो अगर आप लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए। गाइस, अभी मैं इस क्रीम को आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगी एंड ये भी बताऊंगी कि इससे आपकी स्किन कैसी दिखेगी, आपकी स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स थे, रिंकल्स की प्रॉब्लम थी, वो उससे दूर हुई है या नहीं, या आपको कंसीलर अप्लाई करना होगा इसके साथ या नहीं। एंड मैंने मुझे यहाँ पे कुछ पिंपल के स्पॉट भी हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि इसने अच्छे से कवर किए हैं या नहीं। सो आप लोग देख सकते हैं कि फेस पे कितने स्पॉट्स हैं, मैं आपको नज़दीक से भी एक बार दिखा देती हूँ।
गाइज, जिन कुछ लोगों के फेस पे ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ फोर हेड में भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हो गए हैं और यहाँ पे भी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये हमारी जो क्रीम है वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करेगी या ब्राइटन अप नहीं करेगी, हमारे जो स्कार्स हैं उनको हाइड करेगी या नहीं। तो चलिए गाइज करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं इतनी छोटी सी टाइनी सी क्रीम है ये, एंड यहाँ लिखा भी नहीं गया है आई थिंक ये कितने ग्राम की है, 30 ग्राम की है गाइज ये क्रीम। सो इस तरीके की ये स्पावे की छोटी सी क्रीम है, एंड इसमें हमें ऐसे पंप टाइप मिल जाता है, पंप की हेल्प से हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो ये देख सकते हैं आप, मैं बस एक ही पंप लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है एक ही पंप, ये देख सकते हो आप। सो चलिए गाइज अब करते हैं इसको स्टार्ट अपने फेस पे अप्लाई करना। सो गाइज मैं इसको विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ही अप्लाई करूँगी, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लूँगी बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से भी कई बार पैचेस ही हो जाती है स्किन, और मुझे जहाँ पिंपल हैं वहाँ मैं अप्लाई करूँगी, फिर बाद में रिजल्ट देखते हैं कि कैसे हैं। इसको ऑल ओवर मैं अपने फेस पे कर रही हूँ अप्लाई। मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ बट आपको दिखाने के लिए, मैं इसे फिर से यूज़ कर रही हूँ, मतलब अभी मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन थी बट आपको दिखाने के लिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। वैसे इसको डेली अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ, बस बिल्कुल वन ड्रॉप लेकर हम अपनी स्किन पे इसको अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो आई एम डन। सो अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। सो गाइज पिंपल्स को तो इसने उतने अच्छे से हाइड नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो, बट इसने फेस का थोड़ा सा टेक्सचर तो ज़रूर चेंज किया है, मतलब फेस पे थोड़ा सा ग्लो तो ज़रूर आया है। अगर आप इसे चाहते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगा सकते हो। सो मैंने बहुत ही कम लगाई थी जितना मैं डेली लगाती हूँ। सो अगर आप लोग चाहते हैं आप इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं, एंड जब आप अपने फेस पर पूरा मेकअप करते हो, यानी आप लोग थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लोगे या फिर थोड़ा सा मेकअप करोगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी दिखना स्टार्ट हो जाती है। बट गाइज ये उन लोगों के लिए था जिनको बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए, उनको ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा मेकअप चाहिए, वो उन लोगों के लिए नहीं है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि कुछ गर्ल्स होती हैं उनको बहुत फाउंडेशन लगाना है, हाई कवरेज चाहिए, तो उतना हाई कवरेज ये प्रोवाइड नहीं करता है, बस नॉर्मल कवरेज प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं आपके पिंपल्स हाइड नहीं हुए हैं तो मेरी तरह आप लास्ट में एक छोटा सा ड्रॉप और ले लीजिए एंड अपने पिंपल के ऊपर उसको टैप टैप कर दीजिए इस तरीके से, फिर ये थोड़े से कम ज़रूर हो जाते हैं, मतलब उतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। एंड अगर ज़्यादा कम लग रहा है, डार्क सर्कल किसी को ज़्यादा है, तो इस तरीके से लेकर अपने डार्क सर्कल के ऊपर लगा लीजिए या स्पॉट्स के ऊपर लगा लीजिए, उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से आपके जो स्पॉट्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। एंड गाइस सुबह वैसे अप्लाई करते हैं ना, आपकी स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज रहती है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन बहुत थिक हो जाएगी या फिर ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप लोग चाहते हैं, मैंने सिर्फ फेस वॉश किया था एंड फेस वॉश के बाद मैंने इसको सीधा अप्लाई कर लिया है तो स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बल्कि आज भी विंटर चले हैं, विंटर में स्किन वैसे भी ड्राई होती है, बट इसने स्किन को ड्राई नहीं किया, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया, बहुत अच्छे से स्किन को शाइन दे दी है। एंड मैं आपको लाइट में भी अच्छे से दिखा रही हूँ कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने फोरहेड पर अच्छे से अप्लाई नहीं किया बट जितना भी अप्लाई किया है उतना इसने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। सो गाइस कैमरा फ्लिप हो गया था अभी। सो बस ये थी क्रीम गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे एक ट्राई देना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर एक ट्राई दीजिए, इसमें कोई लॉस नहीं है, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा कर देगा एंड ब्यूटीफुल भी कर देगा। अच्छी लग रही है स्किन, वैसे भी सबकी स्किन ब्यूटीफुल ही है बट आप लोग इसे थोड़ा सा ग्लो चाहते हैं, थोड़ा सा टिंट चाहते हैं स्किन पे, तो ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगी। एंड गाइस प्लीज़ आजकल सर्दियां हैं तो बहुत सारा पानी पिया कीजिए, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। एंड बस ये थी आज की क्रीम, आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है तो आप नेचुरल बीच शेड भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्किन उससे भी थोड़ी डार्क है तो यू कैन यूज़ डस्ट की बीच। तो आपको पहले अपना स्किन कलर अच्छे से चूज़ करना है कि आपने अप्लाई कौन सी क्रीम करनी है, आपने कौन सा शेड अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपके फेस के ऊपर वो अच्छे से
लगेगी, यानी ओवर नहीं लगेगी, वो बिल्कुल नेचुरल लगेगी। सो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है ये क्रीम, मैंने इसको ट्राई दिया है। बट गाइस वैसे अकॉर्डिंगली सीसी क्रीम आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है ये, क्योंकि सीसी क्रीम आपकी ओनली 99 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, इंडिया आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है उसकी मतलब कंपैरिजन में। बट मैंने भी इसको ट्राई दिया था, एंड अगर आप लोग कुछ डिफरेंट ढूंढ रहे हैं सीसी क्रीम के अलावा, कुछ डिफरेंट ढूंढ रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट स्पा विक की क्रीम। एंड इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपको 30 SPF की सनस्क्रीन भी मिल जाती है, यानी अगर आप फेस वॉश करके इसको सीधा अप्लाई कर लेते हो और आपका एक्सपोजर धूप में ज़्यादा नहीं है तो आपकी स्किन इससे काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब आपको कोई प्रोटेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो उस वे में अच्छी है। एंड गाइस अब सर्दियों में आप लोग ज़्यादा टाइम धूप में बैठा करेंगे तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप लोग हमेशा सनस्क्रीन भी अप्लाई करके रखें। मेक श्योर कि आप 50 SPF की ही सनस्क्रीन अप्लाई करें, साथ में आप कोई ऐसी क्रीम लीजिए जिसमें ऑलरेडी SPF पड़ने वाली ही सनस्क्रीन को आप लीजिए, जिसमें SPF पड़ा है वही सनस्क्रीन आप लोग लीजिए। एंड साथ में कोई भी फाउंडेशन या कोई भी क्रीम आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो वो भी मेक श्योर कीजिए कि उसमें भी सनस्क्रीन ही हो। एंड खास तौर पर अगर कोई कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैक्मे के कॉम्पैक्ट हैं, मैबलिन के कॉम्पैक्ट हैं, जिनमें ऑलरेडी 20 या 30 SPF होता है, तो उन्हीं कॉम्पैक्ट को और उन्हीं सनस्क्रीन और क्रीम्स को ही प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि गाइज आप बहुत धूप में बैठने वाले हो तो इसलिए अपनी स्किन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। एंड ऑल्सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जो आपकी स्किन को भी अच्छी बनाएगा और हेल्दी बनाएगा। एंड गाइज अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी के शॉर्ट हेयर हैं उनको लॉन्ग हेयर चाहिए, जिनके लॉन्ग हेयर हैं उनको हेल्दी हेयर चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। एंड गाइज अब पहले की तरह नहीं होगा, जो भी वीडियो डिले हो रही थी अब वीडियो सारी टाइम पर आएंगी एंड मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी कर दीजिए प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियोस को देख लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।